This movie is encoded by Dr. Star. कहा था ना मैंने, सुरंग बनाकर आने से हमारा काम बड़ा जल्दी हो गया ना। इसकी कीमत होगी 10,000 पाउंड्स। हम अमीर हो जाएंगे। इस बार नहीं महोदय। शेरलॉक होम्स, वॉटसन, मैं तैयार हूं होम्स। भाग अर्जी, भाग भाग जाएंगे। इन बदमाशों को भागने मत दो। ए, रुक जाओ। मैं हूं इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड। यू आर अंडर। भागने का कोई रास्ता नहीं। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। बहुत अच्छे वॉटसन, तुम ठीक तो हो? लगभग। अगर कोई ठीक नहीं है तो वो है जॉन क्ले, हमारे लंदन शहर का एक शातिर बदमाश। इंस्पेक्टर, हो गया तुम्हारा काम। चलो अपने ससुराल चलो। तो मिस्टर होम्स, पता नहीं कैसे और आपने कर दिया। थैंक यू इंस्पेक्टर, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आप जैसा बुद्धिमान जासूस मेरी तारीफ करता है। और अब जबकि यह काम पूरा हो गया है, मैं घोषणा करता हूं कि यह केस खत्म हुआ। साहब, जेल में खाना क्या मिलेगा? चुप हो जाओ बेवकूफ। यू इडियट। क्या है? तुम बाहर में जाओ बस। ऐसा मैंने क्या कहा? मैं चला। वॉटसन, मैंने गलत क्या कहा? वही कहा जो तुमने बोला था, बिल्कुल वही सब कहा। क्या किया आखिर, मुझे बताओगे भी या नहीं? ऑल राइट, जानना चाहोगे तुमने क्या किया? तब से मैं यही पूछ रहा हूं ना। तुमने एक बड़ी गलती की। कभी मत कहो केस खत्म हुआ। जरा रुकिए सर। जरा रुकोगे वॉटसन? लोग मेरे लिए रुके हैं। जब तक मैं नहीं कहता कि खत्म हुआ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। बिल्कुल सर। आपको कैसे पता चला कि रॉयल गैलरी के तहखाने में कोई सुरंग बना रहा है? ये एक बहुत दिलचस्प कहानी है। बगल वाले बिल्डिंग में हमने देखी ताजी मिट्टी। जरा हटिए, पूरी कहानी को जरा तफसील से बताएंगे सर?
देखिए ये हमारा तार्किक अनुमान था क्योंकि हमें सबूत जो मिले थे वो पर स्कॉटलैंड यार्ड ने यही सबूत नहीं देखे थे। मैं देखता हूँ और सोचता हूँ। कहीं आप बड़ाई तो नहीं मार रहे? ये तो गुस्सा हो गया यार। ये तो लग रहा है। ये बहुत इस बिल्डिंग का अगला हिस्सा कैसा है? बगैर देखे बताओ ये इमारत कैसी है? खैर इसमें इसमें ईंटें हैं। हाँ और इसमें काले रेलिंग्स है शायद। ठीक है। और खिड़कियां? कितनी सारी खिड़कियां? कितनी सारी? मैं नहीं जानता। जानता था ये देखते हैं मगर कभी ये ध्यान नहीं देते, जबकि मैं देखता हूँ ध्यान देता हूँ और इसी वजह से मैं मुजरिमों को जेल का रास्ता दिखाता हूँ। सही कहा आपने सर। उस रिपोर्टर को उसकी औकात दिखा दी। खैर मुझे ये बात बताओ, इस इमारत के सामने के हिस्से में कितनी खिड़कियां हैं? मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं। वहां 15 खिड़कियां हैं बेवकूफ, 15 होंगे। इतना ही नहीं, जिस शख्स को तुमने शर्मिंदा किया बहुत बहुत बड़ा रिपोर्टर है, वह बहुत ही होशियार है, कुछ ही दिनों पहले छुट्टी मना कराया है। ये तुम कैसे जानते हो वैटसन? जायज है, उसके कलाई के चुनर से जहां से वो टाइपिस्ट टेबल को टिकाता है। वैटसन, तुम्हें लगता है ये तस्वीर ठीक है? कहानी तो अच्छी है मेरे दोस्त, लेकिन दूसरे पन्ने पर तुमने लिखा है कि मैंने गलती मान ली। एक लेखक वही लिखता है जो वो रोज देखता है। ओह, क्या वाकई इसकी जरूरत है? मतलब इससे मेरी छवि खराब हो सकती है। हेलो, अब इसमें क्या है? कुछ तो गड़बड़ है। मैंने कितनी बार कहा है कि मेरे एक्सपेरिमेंट से दूर रहा करो। कुछ गड़बड़ है? लगता है कि मैं बेवकूफ हूं जो अपना वक्त तुम्हारे गलतियों को सुधारने में बर्बाद कर रहा हूं, घर में भी और बाहर भी। ओ समझा, वही क्ले केस। अब भी तुम परेशान हो? है अगर मेरी सलाह मानो तो। क्या कहा आपने? आप मुझे सलाह देंगे? हे भगवान, फिर से वही भाषण है। आपको याद दिला दूं, शायद भूल गए होंगे सर, आपकी जो राय है दरअसल वो मेरी राय है। ओ रहने दो। मैंने पैदा किया शेरलॉक होम्स का किरदार और तुम्हें खरीदा उस किरदार को निभाने के लिए। तुमको गटर से उठाकर नई जिंदगी दी। मैं गटर का नहीं था दोस्त, जानते हो मैं एक बड़ा एक्टर हुआ करता था जिसका आखिरी नाटक मैं जानता हूँ पहले ही शो में आधे में ही रोक दिया गया था। आपको मैं बता दूं कि मौत का साया जिसमें रेजिनाल्ड किनकेड, एक ऐसा नाटक था जो अपने समय से बहुत आगे था। अदब से झुकने का नया तरीका सीखिए। एक ही बात का खेद है कि उसे तीसरा सीन शुरू होने से पहले ही रोक दिया गया। बुरा हुआ कि तुम उस सीन को देख नहीं पाए। मुझे तुम्हारी इस तलवारबाजी की जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ आसान से नियमों का पालन करो, जैसे कि किसी केस को खत्म घोषित मत करो जब तक मैं नहीं कह देता। देखो वाटसन, मुझे लगता है कि तुम मेरी जासूसी क्षमता को कम आंक रहे हो। सुनो, पैरों की आहट सुनी? मैं कहता हूँ कि एक औरत है, लंबाई 5.5 फीट, वजन तकरीबन 65 किलो, उम्र 54। देखो, फिर से मुंह काला किया। वाटसन, तुम्हारे लिए तुम्हारे बेकर स्ट्रीट भिखारी। हेलो बॉयज। विगिन्स, वापस कर दो। सोचा था थोड़ा कमा लूं। आप हमें ढूंढ रहे थे डॉक्टर? ओके। हाँ बच्चों, एक छोटी सी मुश्किल आ गई है रॉयल गैलरी के मामले में। क्या? हमने सुना कि मिस्टर होम्स ने केस खत्म कर दिया। हाँ ठीक है ठीक है, अब मुझे इस तरह से लिखकर साबित करना पड़ेगा ताकि लोगों को लगे कि ये मिस्टर होम्स की चाल थी। नहीं नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। जॉन क्ले इन मूर्तियों के धंधे में नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग उस पर नजर रखो, वहाँ चक्कर लगाते रहो। अभी तुमको आधे पैसे दूंगा, काम खत्म होने पर बाकी पैसे।
हम पूरी कोशिश करेंगे, बोलो। हाँ, हाँ। अब हमें परेशान मत करो बच्चों, भागो भागो भागो। आप फिक्र मत करो डॉक्टर, असल में हम ही हैं जो आपकी मदद करते हैं। हो गए खुश, मेरा मजाक बनाकर रखा है। आखिर कैसे आखिर मैं अपने चरित्र को कैसे संभाल पाऊंगा जब तुम ही इनके सामने मेरी इज्जत उतारते हो। चरित्र को? क्या तुम वही शख्स हो जिसने एक बार बड़े आत्मविश्वास से कह दिया था कि कर्नल हॉवर्ड की मौत की वजह थी कि किसी ने उनके बाल उधेड़ दिए? तुम्हारी हैंडराइटिंग घटिया है तो इसमें मेरी क्या गलती है? खैर वो तो एक छोटी सी गलती है। क्या इन्होंने फिर से शुरू कर दी? मुझे ये औरत पसंद नहीं है। कम इन मिसेस हडसन। ये बोतल मुझे स्टेयरकेस के कोने में पड़ी मिली। थैंक यू मिसेस हडसन। कभी कभार पी लेने से मेरे आत्मविश्वास में इजाफा हो जाता है। अपने आत्मविश्वास का अचार बनाओ। मुझे नहीं लगता कि आप दोनों जानते हैं मुझ पर किस तरह का दबाव होता है। पता है कितना मुश्किल होता है याद करना? लंबी चौड़ी लिस्ट, सुरागों और हिसाबों का जिसे दोहराना पड़ता है बार बार लिस्ट्रेट और रिपोर्टर्स के आगे। पता है टूथपिक पर लगा खून, सिगार की राख, न जाने कहां कहां नजर रखना होता है, बेहिसाब गंदगी। गंदगी? गंदगी कहते हो व्यवस्थित तरीके से सुराग ढूंढने को, उसके आधार से नतीजे पर पहुंचने को? मेरे ख्याल से ये सब गंदगी है। और तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा वाटसन कि आइंदा तुम्हारे उन कहानियों में सुरागों नतीजों पर कम लिखो और मेरे बारे में ज्यादा लिखो, क्योंकि दरअसल वो मैं हूं जिसके बारे में लोग पढ़ना चाहते हैं। क्या आप जरा थोड़ी देर के लिए हमें अकेला छोड़ सकती हैं? संभाल के वाटसन, संभाल के, याद रहे तुम्हारा ब्लड प्रेशर। इस कचरे को निकाल कर अपने अच्छा किया है। क्या मैं ये समझूं कि तुम मुझे नोटिस दे रहे हो वाटसन? इस बार मैं कहूंगा कि तुम्हारे एक और बेहद ही घटिया नाटक पर पर्दा गिर चुका है। अच्छा वाटसन, आज तक मैं तुम्हारी कठपुतली बनकर नाचता रहा, पर अब शेरलॉक होम्स पूरी दुनिया के लिए तैयार है। आखिरकार हमने उस नमक खराब को भगा ही दिया मिसेस हडसन। आज के बाद यहाँ के माहौल में बहुत शांति रहेगी, देख लीजिएगा। एक एक्टर? कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं, काम कीजिए, मुझे फोन मत दीजिए, डिस्टर्ब नहीं करना। शुरू से सारी बातें बताओ, ठीक है? ये कुछ 9 साल पहले की बात है। मेरा एक मरीज था, स्कॉटलैंड यार्ड का इंस्पेक्टर पैक्सटन मर्डर केस की तहकीकात कर रहा था। मैंने उसे कातिल का नाम बताया और कहा कि जासूस ने काम किया। उस वक्त मेरी कोशिश यह थी कि एक कंजर्वेटिव मेडिकल कॉलेज के स्टाफ में भर्ती हो जाऊं, पर वहां चलती नहीं थी मेरी छोटी सी हवी। बिल्कुल। वेल, मुझे तो अपॉइंटमेंट नहीं मिली, लेकिन मुझे मिली तो चौंका देने वाली शेरलॉक होम्स को सामने लाने की पब्लिक डिमांड। तो तुम पकड़ लाए रेजिनाल्ड किनकेड को? वो एक एक्टर था, बदकिस्मती से वो एक जुआरी था, मस्तीखोर और पियक्कड़ था। जॉन, तुमने अंग्रेजी साहित्य के महानता पर संकट ला दिया है। खैर, गलती मेरी भी है, हमेशा वो मुझसे बड़ी रकम उधार ले जाता रहा और कभी उसने लौटाया नहीं। नामाकूल। कोई बात नहीं, तुम्हारी रॉयल्टी से काट लूंगा। अब बताओ, और कौन ये बात जानता है? कोई नहीं, सिवाय मिसेस हडसन के, कुछ बच्चों के, पर अब वक्त आ गया है कि लोग सच्चाई जान ले। सच्चाई? बिल्कुल। आइंदा कोई भी उसके बारे में नहीं पढ़ना चाहेगा, उसका नाम खाक में मिल जाएगा, लोगों को एक नए किरदार का इंतजार होगा। कौन सा नया किरदार? जॉन वाटसन द क्राइम डॉक्टर। आपके अगले इशू में एक नई कहानी छपेगी। बैठो जॉन। जॉन, लोग हमारी मैगजीन खरीदते हैं एक ऐसी कहानी पढ़ने के लिए जिसमें शेरलॉक होम्स केस को सुलझाता है, ना कि कोई क्राइम सर्जन। क्राइम डॉक्टर? क्राइम डॉक्टर, क्राइम सर्जन, क्राइम डेंटिस्ट, इससे क्या फर्क पड़ता है? सच तो यह जॉन, शेरलॉक होम्स की वजह से हमारी मैगजीन चलती है, तुम उसे ही कायम रखो दोस्त।
नॉर्मन, जो चाहूंगा वही लिखूंगा, तुम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। डॉक्टर वाटसन, तुम उधर नहीं जा सकते। रुक जाओ, रुको। क्या हो रहा है? सॉरी डॉक्टर, पर हमें कुछ मिला है बंदरगाह के पास। बढ़िया। हेलो डक्स, माफ कीजिए मुझे थोड़ा काम है। तुम यहाँ काम करते हो? विगिन्स, वाटसन, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, शेरलॉक होम्स तो या फिर हम अदालत जाएंगे तुम्हें बर्बाद करने के लिए। याद रखो, बर्बाद कर देंगे। अरे मेरी घड़ी कहाँ गई? ये देखिए डॉक्टर, कैमरन पेपर मिल। सुबह तकरीबन 4 बजे आग लगी, उसी वक्त जब क्ले ने चोरी की। बिल्कुल सही। बिल्कुल असलियत दिख रही है। कमान जरा चक्कर लगा क्या है? ये तो बुरी तरह से जल गया। खैर, इसके अंदर लकड़ी और कागज भरे पड़े थे। ओह, आई एम सॉरी सर, आपको अंदर जाने की अनुमति नहीं है। शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं हूँ डॉक्टर जॉन वाटसन। यहाँ पे कोई बीमार नहीं हुआ है। शायद आप समझे नहीं, जॉन वाटसन द क्राइम डॉक्टर। बिल्कुल ठीक, जॉन वाटसन द क्राइम डॉक्टर। क्राइम डॉक्टर, पहले कभी नहीं सुना, लेकिन सर आपका नाम कहीं सुना हुआ सा लगता है। ठीक है, मैं हूँ डॉक्टर जॉन वाटसन, लेखक हूँ द शेरलॉक होम्स कहानियों का। शेरलॉक होम्स? हाँ। असली शेरलॉक होम्स? हाँ। मैं और मेरी बीवी हमेशा आपकी कहानियाँ पढ़ते हैं। ठीक है, अब अगर मैं आप आई एम सॉरी डॉक्टर, अब भी आपको जाने नहीं दूंगा, ऊपर से हमें स्ट्रिक्ट ऑर्डर है। पर क्या मिस्टर होम्स ने आपको यहाँ भेजा है? वो क्या भेजेगा मुझे यहाँ? कोई बात नहीं, आइंदा से आप उनको पूछ कर निकला कीजिए, वरना मेहनत बेकार जाएगी। इस शहर में जुर्म से लड़ने की कोशिश करो तो लोग बस एक ही नाम लेंगे, शेरलॉक होम्स का। दिखता कैसा है? अगली बार कहाँ पर आएगा? कहीं नहीं मक्कार, कहीं नहीं। डॉक्टर वाटसन, आवाज कम कीजिए। कम क्यों करूं? क्योंकि कुछ लोग आपसे मिलने आए हैं, इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड एंड लॉर्ड स्मिथ। एक खजाने वाले? ऊपर जाइए। जी हाँ, थैंक यू वेरी मच। तो मिस्टर होम्स घर में है ना? डॉक्टर वाटसन, नो, वैसे तो वो व्यस्त है पर आपसे जरूर मिलेंगे। आप तो भी घर पाइए। महोदय, गुड आफ्टरनून इंस्पेक्टर। डॉक्टर, ये है लॉर्ड स्मिथ, शाही खजाने के मंत्री महोदय है ये। आपका स्वागत है। मंत्री जी मिस्टर होम्स से मिलना चाहते हैं। मुझे बड़ा अफसोस है वो इस वक्त घर पर नहीं है। बहुत निराशा हुई। मैंने पहले ही कहा था, मुझे नहीं लगता कि मिस्टर होम्स की इस केस में कोई जरूरत पड़ सकती है। मैं सहमत हूँ। सचमुच? बहरहाल ये क्राइम डॉक्टर यहाँ मौजूद है। कौन गधा है ये क्राइम डॉक्टर? ताज्जुब की बात है, पर यह मामला बड़ा ही पेचीदा है। बताइए मिस्टर होम्स कब लौटेंगे? थोड़े दिन बाद। वो बाहर गए हुए हैं। तो फिर ठीक है। हाँ, बुरा हुआ। चलिए, मैं कहता हूँ कि मिस्टर होम्स के बिना ही हम ये केस सुलझा लेंगे। रुकिए, आज तो शुक्रवार है ना सर? मैं तो बिल्कुल भूल ही गया था, होम्स आज रात को ही लौट कर आने वाले हैं। क्या किस्मत है। अच्छी बात है, हम लोग रात को 7 बजे आएंगे। चलो इंस्पेक्टर, चलते हैं। मिलते हैं जेंटलमैन। मंत्री महोदय, मैं फिर से गुजारिश करता हूँ कि बिल्कुल नहीं। Where did you get that hat? Where did you get that hat? Isn't this a nobby one? I would like to have one just the same as that. Wherever I
हेलो बहुत ही अच्छा। आपने मिस्टर ब्रांडी को कहीं देखा है? ओह नहीं देखा। अरे आप यहाँ पे? हेलो गुड इवनिंग। ऑल राइट, किसने किया? कम ऑन, आपने किसने चिमटा लिया? चिमटा लिया? जी हाँ। मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? नाम है होम्स, शेरलॉक होम्स। कॉन्स्टेंस पार्डन सर, प्लीज टू मीट यू। खुशी हुई। अब देखते हैं यहाँ मौजूद लोगों पर ध्यान से गौर करने के बाद मैंने आखिरकार उस शख्स का पता लगा लिया है जिसने आपका चिमटा लिया। मैंने फिर से लिया। थैंक यू मेरे दोस्त। थैंक यू सर। आज तो मैं इससे बात करके ही रहूंगा, बात करनी ही पड़ेगी इससे। आज तो पैसे दीजिए मिस्टर होम, पिछले पांच दिनों से आपने पैसे नहीं दिए। मेरी एक बात सुनो दोस्त। रहने दो, इनके पैसे मैं दे दूंगा। थैंक यू सर। वॉटसन, हेलो, कैसे हो? बिल्कुल ठीक हूँ। चीयर्स यार। मैं कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा, बस इतना ही कहूंगा तुम वापस आ जाओ। तुम्हें मेरी जरूरत है, मैंने बोला था ना। तुम्हारी जरूरत नहीं है। फिर यहाँ क्यों आ गए? मैंने तो नहीं बुलाया था। ठीक है, जरूरत है, बस आखिरी एक बार। एक बार फिर हो गया? मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है दोस्त। होशियार न बनो, तुम पूरी तरह कड़के हो चुके हो। इसकी एक वजह है कि तुम्हें वो हुनर नहीं जिससे तुम एक नौकरी पा सको। गलत वॉटसन, पता है मैं इन दिनों में समस्या को सुलझाने के हुनर की धार को पैना कर रहा था। अब देखो, एक्सक्यूज मी सर, आजकल हिंदुस्तान में क्या चल रहा है? जी क्या कहा आपने? आप एक रिपोर्टर हैं, हाल ही में इंडिया से लौटे हैं ना? मैं एक बैरिस्टर हूँ और मैं इंडिया कभी नहीं गया हूँ आज तक। पर आप पढ़ते हैं द टाइम्स? बिल्कुल। देखा ना तुमने मेरा कार्ड? मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम मेरे साथ आ रहे हो या नहीं? इससे तो बेहतर होगा कि मरकर जहन्नुम में जाऊं। शायद मैंने यहां आकर गलती की। बिल्कुल ठीक कहा वॉटसन, ऐसे ही खुश रहो। महोदय, आपके लिए क्या कर सकता हूँ? किसी रहस्य को सुलझाना है? बिल्कुल ठीक कहते हो, जुआ खेलकर पैसा ना देने का मामला है। बात यह है कि पैसे क्यों नहीं दिए तुमने? महोदय, तुम पंगा ले रहे हो शेरलॉक होम्स से, जो है आत्मसम्मान और नैतिकता का पुजारी। यही है वो। इसी ने मुझे बुरी तरह से चिमटा लिया। मैंने कहा था ना 7 बजे को। देरी के लिए माफी चाहता हूँ जेंटलमैन। क्या मिस्टर होम्स आ गए? दरअसल लॉर्ड साहब, थोड़ी देर पहले मुझे होम्स ने एक तार भेजा है, कहा है कि आपसे मैं सारी जानकारी ले लूं और तहकीकात शुरू करूं। उनके बगैर यही लिखा है। क्या? भरोसा कीजिए, मैं जासूसी के मामले में उनके बराबर का हूं। डॉक्टर वॉटसन, मैं ये भी जानता हूं कि आप हाल ही में बहुत बीमार पड़े थे। आप सिगार पीते हैं, वो भी शायद रोजवुड, और आप चीन जाकर आए हैं। सॉरी डॉक्टर, ये बातें तो सभी लोग जानते हैं। आप मेरी बात समझ लीजिए डॉक्टर, ये पेशेवर लोगों का काम है। यार मेरी मदद करो, कुछ गुंडे मेरे पीछे। होम्स, तुम आ गए, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। ये बेस बदले हुए हैं, पियक्कड़ बने हैं, बिल्कुल असली लगते हैं। है यार, एक औरत कहती है मैंने उसको पिंच किया है। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, चलो अंदर। ये कर क्या रहे हैं? जेंटलमैन, मिस्टर शेरलॉक होम्स। लेस्ट्रेड, अच्छा हुआ डिपार्टमेंट ने तुम्हें रात को घूमने की इजाजत दे दी।
लॉर्ड स्मिथ एक खजाने में कोई गड़बड़। खैर सच कहूं तो रुको, तुम्हें कैसे पता चला? उसी तरह जिससे मैं जानता हूं कि हाल ही में आप बीमार पड़े थे, सिगार पीते हैं, शायद रोजवुड, और आप घूम कर आए हैं चाइना। चाइना कमाल है। थैंक यू लॉर्ड स्मिथिक। शुरू करने से पहले शायद थोड़ी शेरी। हाँ काश हम पी सकते, पर जिस गंभीर समस्या की बात करने आया हूँ इसमें सवाल पूरे देश का है। अच्छा तो क्यों ना विस्की हो जाए, तो बाद में पियेंगे। तो क्यों ना आप मुझे सारी डिटेल्स दे दें ताकि मैं सोचूं। वॉटसन जरा ध्यान से सुनो, आप जानते हैं ये क्या है? जानता हूँ और मैं भी। बैंक ऑफ इंग्लैंड के 5 पाउंड के प्लेट्स हैं। कोई शक नहीं। और नकली भी हो सकते हैं? कोई शक नहीं। एग्जैक्टली बिल्कुल। वेल बातें समझ चुके हैं, अब थोड़ी विस्की हो जाए। मैं देख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। बोलो इंस्पेक्टर। 2 दिन पहले किसी ने होशियारी से असली प्लेटें चुरा कर इन नकली प्लेट्स को रख दिया है। अब असली प्लेटें किसी विदेशी ताकत के हाथ लग चुके हैं, किसी खतरनाक लोगों के हाथ में। अब इस देश में नकली नोटों की भरमार हो सकती है। और इसका क्या अंजाम होगा यह आपको समझाने की जरूरत नहीं है। जरूरत है। इसका मतलब है कि इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था बर्बाद होगी। किसी को पता नहीं चलेगा कि कौन से 5 पाउंड के नोट असली है और कौन से नकली। महोदय ये केस स्वीकार करता हूं। मेरी फीस होगी 500 पाउंड और 10-10 के नोट दीजिएगा। गुड इवनिंग। अच्छा गुड इवनिंग, अब चैन की सांस ले सकते हैं इंस्पेक्टर। जी हाँ। गाड़ी चला भाई। बहुत ही होशियार आदमी है मानना पड़ेगा। ये तो अच्छा हुआ कि शर्लॉक होम्स इंग्लैंड में पैदा हुआ। क्यों? तुम्हें बताता हूँ मैं इंस्पेक्टर, ये मिस्टर होम्स बहुत ही बुद्धिमान और चतुर इंसान है। ये इस केस को चुटकी भर में सुलझा देगा। आपको लगता है उसने केस वापस ले लिया? वॉटसन प्यारे दोस्त, वो मना कैसे करेगा? अब इस खेल में बड़ा मजा आएगा। ड्राइवर महोदय मैं आ गया। मिस्टर होम्स आखिरकार, शाही टकसाल में आपका स्वागत है। यह मेरे बहुत पुराने नौकर मिस्टर मिस्टर हेडलर सर। हेडलर हाँ, इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड वॉल्स के बारे में पूछ रहे थे। मैं सोचता हूँ ये किसी अंदर वाले का काम है जिसके पास चाबी है। तुम? नहीं नहीं सर, वो चाबी रखते हो हेडलर्स? नहीं सर। इंस्पेक्टर प्लीज होम्स को करने दीजिए। कोई बात नहीं लॉर्ड स्मिथिक, सच पूछो तो लेस्ट्रेड, तुम्हारी जरूरत है मुझे। क्यों नहीं, मेरा कोट पकड़ो, यहां गर्मी बहुत है। तो यहां पर प्रिंटिंग प्लेट्स रखे जाते हैं? यस सर। हाँ वेरी इंटरेस्टिंग। कुछ नहीं हुआ, बताइए कितने लोगों को यहां पर आने की इजाजत है? कुल 3 लोगों को है, मुझको, कमिश्नर ऑफ सील्स एंड इंग्रेविंग्स और एक प्रिंटिंग सुपरवाइजर पीटर चाइल्ड्स को। मैं अब मिलना चाहूंगा उस तीसरे आदमी से। महोदय वो आज काम पे नहीं आए हैं। आहा, हमने इस चाइल्ड्स के बारे में पूछताछ की है महोदय, वो एक रंडवा है, एक बेटी है जिसका नाम है लेस्ली। उस लड़की को मैंने 1-2 बार देखा है सर, और वो बड़ी सुंदर है, लेकिन कुछ अजीब तरह से सुंदर है सर। सुंदर? बहुत ही सर। वॉटसन जरा ये बात लिखो। वैसे मिस्टर जाइल्स बहुत ही अजीब तरह से पेश आए थे जब मैंने उनके सामने उस लड़की की तारीफ की थी सर। नहीं, नहीं, नहीं। क्या
आप ऐसा मत सोचिए कि इसमें पीटर जाइल्स शामिल है। वो आदमी यहाँ पर 30 सालों से काम कर रहा है और बहुत ही धार्मिक भी है। तुम्हारा क्या कहना है? हेडलर सर। हेडलर? ओ हाँ सर, वो हमेशा भजन गाया करते सर। हाँ, द साम्स मेरी पसंदीदा किताब, द बाइबल है ना? शायद आप बात करना चाहेंगे मिस्टर जाइल से, होम्स। देखो भाई, मुझे भजन कीर्तन में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन ऐसा है, हर सुराग पे ध्यान देना चाहिए। आप बेफिक्र होकर जाइए सर, हम उसकी बेटी से भी तहकीकात करेंगे जरूर। मुझे भी जाना है। जल्दी आओ। हाँ, क्या कर रहे हो बेवकूफ? माल का आदमी है ये। जल्दी जल्दी चलो। दरवाजा खोलो जाइल्स, खोलो दरवाजा। मैं हूँ शेरलॉक होम्स। पीछे हटो वॉटसन, मैं तोड़ देता हूँ। एक मिनट मिस्टर होम्स। जल्दी चलो। आप बिना इजाजत किसी के घर में घुस नहीं सकते। उनकी निजी संपत्ति पर नजर डालना कानूनन जुर्म है। ये काम हमारा है। हेलो, कोई है? जाइल्स, चलो अंदर। इंस्पेक्टर, आप खत्म पर खड़े हैं। उठा लीजिए, उठा लीजिए। हाँ, छोटी मगर प्यारी जगह है। एक फ्रेंच पोस्ट कार्ड। रियली? मेरा एक दोस्त ये सब जमा करता था। उसके पास एक कार्ड था जिसमें दो लड़कियों की तस्वीर। ओह, इस पर तो आईफल टावर का फोटो है। यहाँ तो बहुत से खत जमा है डॉक्टर। लगता है जाइल्स बहुत दिनों से घर नहीं आया। ओह, कोई खास बात है उस खत में मिस्टर होम्स? लिखा है बहुत मजा आ रहा है, छुट्टी चाहिए, सोमवार को मिलते हैं। खैर, अब ये लिखने वाला कौन हो सकता है? एल का मतलब उसका कोई दोस्त या कोई माशूका, या फिर शायद उसकी बेटी लेस्ली। शायद तुम ठीक कहते हो इंस्पेक्टर। तो ठीक है, उसे ही ढूंढने दो यार। होशियार बनो, हमें इस इंस्पेक्टर को बेवकूफ बनाना है होम्स। क्या किया जाए? उसे किसी तरह उलझाए रखो ताकि मैं कुछ काम कर सकूं। वेल, मुझे लग रहा है कि मिस्टर जाइल्स ने शायद छुट्टी ली है। तुमसे यही उम्मीद थी। जरा बाजू हट जाओ। यहां दिलचस्प चीजें हैं वॉटसन। एक्सक्यूज मी। यस, बाप रे, उसे छूना नहीं, उंगलियों के निशान हो सकते हैं। बुक ऑफ साम्स, जैसा मैंने सोचा था, द बाइबल। सारी कड़ियां बिल्कुल ठीक तरीके से जुड़ रही हैं मेरे भाई। आहा, जरा ये देखो, जुर्म की तहकीकात यानी पहले तरीकों का तहकीकात, अब इस कारपेट को बनाने का तरीका देखो। गुलाब, और ये कोई देवता लगता है कि नहीं? ये कोई देवता है। शायद हो सकता है। डॉक्टर वॉटसन, वो क्या है? ये कागज का जला हुआ टुकड़ा है। संभाल के, सबूत हो सकता है ये। वाकई? ERMERE, क्या हो सकता है ये? तुम अंधे हो लेस्ट्रेड, बताओ वॉटसन। अगर मैं गलत हूं तो बताओ होम्स, पर यह कागज का टुकड़ा किसी नक्शे का हिस्सा है, कोई जगह। अर्मेरी। विंडमियर, विंडमियर,
क्या बात है इंस्पेक्टर? छुपने के लिए वो जगह बहुत ही अच्छी है और साल के इस महीने में वहां कोई नहीं जाता। हम विन्यमेयर में तार भेज देंगे और देखेंगे कि वहां वो है या नहीं। और घबराओ नहीं मिस्टर होम्स, हम बहुत जल्दी इस केस को सुलझा देंगे। कमाल करते हो। चलो, चलो। क्या कहानी है वॉटसन? ऐसी एक कहानी जो तुम जैसा लेखक ही लिख सकता है। जरा सोचो, एक शेरलॉक होम्स एडवेंचर जिसमें लेस्ट्रेड केस को सुलझाता है। शांत हो जाओ, इस केस को सुलझाने में अभी काफी वक्त लगेगा। अब जाना है विंडरमेयर में, जहां मैं तुम्हें बता दूं खूनी खेल अभी जारी है। जैसी उसकी आदत थी, शेरलॉक होम्स ट्रेन के डिब्बे में बैठा था, ख्यालों में खोया हुआ। मुझे चाहिए थोड़ा प्यार, मुझे प्यार दो एक बार। आप शेरलॉक होम्स हो? जी बिल्कुल मैडम, मेरा ऑटोग्राफ चाहिए क्या? तुमने मेरे बाप को जेल भेजा कमीने, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें मार डालूंगी। इस तरह खामोश बैठकर गौर देकर सोचते रहने से उसे मिल जाया करती थी एक नई कल्पना की उड़ान। बस कर गधी की बच्ची। गधी कैसा है कमीने? रुक, आज मैं तुझे दिखाती हूँ। मुझे माफ कर वॉटसन। हाँ। क्या कर रहे हो? सोच रहा हूं। राइट, अब मैं भी सोचूंगा। पर हम लोग क्या सोचेंगे वॉटसन? मिस्टर होम्स, मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। मैं हूं द राइट ऑनरेबल जनरल फिट्ज़वाटर जॉनसन, लॉर्ड मेयर। यह है मेरी बेटी क्रिस्टबेल। हेलो मिस्टर होम्स। स्ट्रैंड मैगजीन में छपने वाली आपकी कहानियों के फैन हैं हम लोग, और मेरी बेटी तो हर कहानी बार बार पढ़ती है। तुम तो इसके बारे में सोचना भी मत। आपको एक खबर देनी थी सर। दो दिन पहले एक आदमी आया था जिसका हुलिया मिस्टर जाइल से बहुत मिलता था। यह है एंड्रूज, इसी झील पर काम करता है। इसे उस आदमी का चेहरा याद है। एंड्रूज, यह है मिस्टर होम्स, जो हमारे इस गांव में आए हैं एक महत्वपूर्ण केस की तहकीकात करने। शुरू कीजिए मिस्टर होम्स। क्या वजह है कि आपको उस आदमी का चेहरा याद है मिस्टर एंड्रूज? उसका चेहरा याद है? हाँ, मुझे अब भी वो आदमी याद है क्योंकि उसके हाथ में एक भूरा चमड़े का सूटकेस था। उसने उसे अपनी कलाई से बांध रखा था एक चांदी की हथकड़ी के जरिए। वो बहुत भारी था और वो आदमी उसी के बारे में बड़बड़ा रहा था। उसने कहा डोनाल्ड आयर से, लोकल बोटमैन से, यहाँ के लोकल बोटमैन से, कि उसे झील के उस पार ले जाए जहाँ उसने एक कॉटेज किराए पर लिया था। होम्स, वॉटसन, जरा ये लिख लो। मुझे यकीन है होम्स जरूर बात करना चाहेंगे डोनाल्ड आयर्स से। हाँ बिल्कुल। हाँ,
पर बात ऐसी है, उस रात के बाद किसी ने उस बोटमन को या उस सूटकेस वाले शख्स को देखा नहीं। इसका मतलब वो गुम हो गए हैं? हाँ। खैर, मुझे लगता है अगर आपकी आज्ञा हो मिस्टर होम्स, ऐसा है उस तूफान में वो दोनों डूब गए होंगे। वो दोनों तूफान में निकले थे? एक मिनट रुको, वो लोग तूफान में गए थे? हाँ, इस मौसम में भयंकर तूफान आया करते हैं। लो आ गया सबसे शानदार होटल द शेक्सपियर आर्म्स। ओ मिस्टर होम्स, हम लोगों को फक्र है आप यहाँ आए। राजा कब से यहाँ आपका इंतजार कर रहे हैं। राजा? ये कुत्ता। अच्छा, ये राजा। शर्लॉक होम्स और डॉक्टर जॉन वॉटसन। जॉन वॉटसन, अब आप मेरे साथ आइए सर, मैं आपका सामान ऊपर कमरे में रखवा दूंगी। चुप रहो राजा, तुम यहीं ठहरो, मैं इन दोनों को ऊपर छोड़ कर आती हूँ। आपसे तो ये घुल मिल गया है मिस्टर होम्स, उसे हर कोई पसंद नहीं है, बस सोच कर साथी चुनता है। हाँ, पकड़ो। कभी कभार वो गुलाब के फूल तोड़ लाता है, मजा आता है। वॉटसन, जरा नीचे देखो। द किंग लेयर रूम मिस्टर होम्स, यहाँ का सबसे शानदार कमरा। आपका कमरा ऊपर है डॉक्टर, किन पर संभाल के चलिए, चूहों ने काट डाला है। इसका नाम रखा है हेमलेट रूम। यहाँ से आपको पूरा गांव दिखाई पड़ेगा डॉक्टर। अब अगर आप इजाजत दें डॉक्टर तो। वॉटसन, वॉटसन, मैं जाकर देखती हूँ मिस्टर होम्स को कुछ चाहिए क्या। वॉटसन, हम कमरा आपस में बदल लें क्या? मैंने किंग लियर नाटक किया था, सच कहूं तो उस रूम में मुझे याद आती है सड़े टमाटरों की। मुझे तो कोई भी रूम चलेगा। ये लो। थैंक यू। रुको, मैं पूछता हूं। कितनी घटिया जगह है। एक्सक्यूज मी, आप है शेरलॉक होम्स, सच है ना? ये निर्भर करता है, कहीं आपका कोई संबंधी हाल में जेल तो नहीं गया। मेरा जी नहीं। तो हाँ, वो मैं ही हूँ शेरलॉक होम्स। हमारे लिए गर्व की बात होगी अगर आप हमारे साथ एक ड्रिंक ले। एक ड्रिंक? अभी मैं कह रहा था मेरे दोस्त डॉक्टर वॉटसन से कि कितनी प्यारी जगह है ये। ओह, क्या बात कही है, वाह। मैं लेता हूँ डबल विस्की प्लीज, इससे शुरुआत करने का मजा ही कुछ और है। मिस्टर होम्स के लिए एक डबल विस्की, आज की शाम दुनिया के सबसे बेहतरीन जासूस के नाम। थैंक यू जेंटलमैन, मुझे खुशी हुई। मुफ्त की शराब जो मिली है। आप सर उस आदमी के जैसे दिखते हैं जो मुझे मिला था जब मैंने सुलझाया था केस ऑफ मंचूरियन मैम्बो। होम्स, जरा इधर तो आना। बोलो। शायद उस केस का नाम था मंचूरियन मंबा। होम्स, मांबा मांबो क्या फर्क पड़ता है? खास कुछ नहीं, मंबो होता है खतरनाक जहरीला सांप और मंबो होता है कैरेबियन डांस। तब रात का वक्त हो चला था कि किसी ने दरवाजा खटखटाया, मैंने खोल दिया। मेरे सामने थे मंचूरियंस जो कर रहे थे अजीब सा कैरेबियन डांस। मंचूरियंस मंबो। धीरज रखो वैटसन, बस ये आखिरी केस खत्म हो जाए, उस दिन से ये दिखेगा नहीं। कितना अच्छा विचार है, थोड़ी राहत मिली, मजा आ गया। जब सांप ने डंक मार दिया मैं कूद कर पीछे आ गया। अगर मेरे पैर कमाल के नहीं होते ना तो मैं यहां पर मुर्दा बनकर खड़ा होता। ओह, सो सैड। एक और जाम मिस्टर होम्स।
महोदय मुझे कल सुबह जल्दी उठना है, वो भी पूरे होशो आवाज के साथ। ठीक है, ठीक है। शायद सिर्फ एक और। होम्स, स्वीट होम्स। अबे तू कुत्ता है या पिछले जन्म का कोई दुश्मन? ताजी हवा, मुझे उसकी जरूरत है। ये ठीक है। बच्चन, बचाओ! मुझे बचाओ! बच्चन, बच्चन कहाँ हो तुम? अरे जरा रुको, मैं आ रहा हूँ। धीरज रखो। होम्स, मैं आ गया। बचाओ, प्लीज। मेरी दो, मुझे हाथ दो। तुम्हारा हाथ दो मुझे। हाँ हाँ, दे दो। ठीक से पकड़ो। अब दूसरा। ठीक से पकड़ो, हाथ दो, खींचो, अपने आप को ऊपर खींचो, खींचो ऊपर। अरे ये कुत्ता, शायद किसी ने इस रेलिंग को जानबूझकर काटा है। अरे दूर हट। गुड मॉर्निंग जेंटलमैन। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। यह है वो कॉटेज जाइल्स ने जिसे किराए पर ले रखा था। आपको मैं रास्ता दिखाऊंगा। मिस्टर मेयर, हिलना मत। पहले तो मिस्टर होम्स यहाँ का मुआयना करेंगे ताकि कोई सबूत मिल जाए। तुमने बिल्कुल ठीक कहा है वॉटसन, अब तुम मेरे साथ आओ। मैं क्या ढूंढ रहा हूँ? फुटप्रिंट्स। राइट, तो तुम्हें कुछ दिखा क्या? अभी तक तो नहीं, अगर मिल जाए तो बता देना। हेलो, घर में कोई है? हेलो, जाइल्स यहां आने वाला था, जाहिर है कि वो यहां पहुंचा नहीं। मिस्टर होम्स, हमें मिला है डोनाल्ड एयर्स। कौन? हाँ, इधर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सब चलो पीछे हटो, पीछे हटो। ये देखो, पीछे हटो, चलो हट जाओ। हाँ, बाजू हटो। कॉन्स्टेबल रुको, पहले तो मिस्टर होम्स इसका मुआयना करेंगे ताकि कोई सबूत मिल जाए। हाँ, मेरा ये मानना है कि ये मर चुका है। ओ, ये तो जीनियस आदमी है। थैंक यू सर, ये लीजिए सर आपके फर्स्ट क्लास की दो टिकट।
वेल मिस्टर होम्स, कोई नतीजा? नतीजा वो ये कि जायल्स और अय्यर ऐसी जगह डूबे जहां से तैर कर नहीं आ सके। हाँ, और वो भारी सूटकेस उनके कलाई पे बांधा था, और झील भी तो गहरी है। राइट, दोनों बदनसीब वहां डूब गए। कुदरत से लड़ते रहे, पूरी ताकत लगाते रहे, पर दुष्ट काले पानी ने उन दोनों की कहानी खत्म कर दी। खैर, ये केस आसान रहा। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। होम्स, हमें निकलना है। थैंक यू वेरी मच मिस्टर मेयर, ये तो मेरा फर्ज था। अब हमें पता चला है कि जाइल्स बोट पर था। नहीं, ऐसा नहीं है वो। वेल, ये तो पता चल गया कि जाइल्स वंडरमेयर आया था। वो नहीं आया। नहीं आया? नहीं आया? ये तो पता चल ही गया कि जाइल्स वो शख्स है जिसने वो प्लेटें चुराई हैं। नहीं, ये भी गलत है। ठीक है, अब मुझे सीधी तरह से बता दो। मुझे ये बताओ वॉटसन, हमें यहां आकर कुछ पता चला है या नहीं? हाँ। क्या? इसमें कोई शक नहीं है कि एक चालाक मास्टरमाइंड इन सब के पीछे काम कर रहा है। प्रोफेसर मोरियार्टी! ओ, तुम चिल्ला क्यों रहे हो भाई? तुमने बताया क्यों नहीं कि वो पागल खूनी इन सब में शामिल है? क्योंकि मुझे पता था तुम ऐसा ही करोगे। जय हो तुम्हारी इस तहकीकात करने वाली कुशलता की। तुम तो खामखा घबरा रहे हो। ओहो, माफ करो, कल रात को उसने मेरा कत्ल करने की कोशिश की ना। तुम गलत सोच रहे हो। तुम गलत सोच रहे हो। जरा याद करो, ऊपर के कमरे में कौन सोने वाला था? अरे हाँ, तुम सोने वाले थे। मोरियार्टी जानता है, उसके होशियारी का मैं ही मुकाबला कर सकता हूँ। तुम्हें यकीन है वो मुझे नहीं मारना चाहता था? बिल्कुल नहीं, उसे पता है तुम बेवकूफ हो। थैंक गॉड। ओहो, रुको रुको रुको, मिस हम आ गए। चलो। मिस लेस्ली जाइल्स। यस। डॉक्टर जॉन वॉटसन एट योर सर्विस। और ये है मिस्टर शेरलॉक होम्स। शेरलॉक होम्स, आप मुझसे क्या चाहते हैं? सरकार आपके पिता पर शक करती है कि उन्होंने 5 पाउंड के प्रिंटिंग प्लेट्स चुराए हैं। क्या? उनका यह भी मानना है कि आपके पिताजी विंडरमेयर की झील में डूबकर परलोक से धार गए। बाबा। वॉटसन, थोड़ा पानी लेकर आओ। जरूर। बाबा, रुकावट के लिए खेद है मिस जाइल्स, पूरी बात सुनने से पहले ही आप बेहोश हो गई। होम्स का मानना है कि आपके पिताजी निर्दोष है और जिंदा है। वाकई? होम्स मानते हैं कि किसी ने आपके पिता को किडनैप किया है। किडनैप किया? पर किसने? किडनैपर ने। देखिए मिस जाइल्स, हमें बताया गया कि आपके पिताजी बड़े अनुशासन वाले थे, और जिस तरह आपका घर सजाया गया है उससे इस बात की पुष्टि होती है। हमने आपके घर का मुआयना किया और देखा कि वो बड़ा ही सुव्यवस्थित है। इसीलिए मुझे पूछना है कि इतने अनुशासन वाला इंसान बिस्तर को इस हालत में कैसे छोड़ सकता है? किसी ने उन्हें बिस्तर से जबरदस्ती यहां से उठा लिया होगा। हाँ, ये मुमकिन है। फिर कोई आदमी तुम्हारे पिताजी के भेस में विंडरमेयर चला गया, जहां पर उसने डूबने मरने का नाटक किया, और बदकिस्मती से एक बोटमैन ने जान गंवाई जिसका नाम था आयर्स, जिसे वहां डुबा दिया गया। खून किया? क्यों? क्यों सोचती होगी?
क्योंकि तुम ही समझा दो वॉटसन। क्योंकि कोई है जो ये चाहता है कि हम ये मान ले कि तुम्हारे पिता और वो प्लेट्स अभी उसी झील में हैं। जिस स्कॉटलैंड यार्ड और वो गुड दिमाग दरोगा लेस्ट्रेड मान लेते कि ये केस खत्म हो गया और असली गुनहगार बच जाता और देश की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा जाती। ये बात तो सीधी सी है। हिम्मत रखिए मिस चाइल्ड, इतनी आसानी से नहीं बच सकते। तुम्हें पता नहीं तुम बच रहे हो तो मेरा नाम है शेरलॉक होम्स। आप घबराइए मत मिस जाइल्स। तकलीफ के लिए सॉरी मिस जाइल्स। अब दोस्त भाग नहीं तो पकड़े जाएंगे। भाग भाग। वो भाग गए। पता है मैं नहीं उन्हें भगाया। आप तो बहुत बहुत बहादुर हैं। खतरों से मैं खेलता हूँ, आप मत खेलिएगा। आज रात आपका यहाँ अकेले रहना ठीक नहीं। हाँ आज आप हमारे साथ रहिए। मेरे साथ रहने से आपको तकलीफ हो सकती है। ऐसा बिल्कुल मत सोचो जाने मन। ओ वाकई होम्स आज रात भर काम करेंगे और आज आप उनका कमरा ले लेंगे। इंटरेस्टिंग, इटली में बनाया गया है। क्या ये जूता बिल्कुल नया है? हाँ बहुत इंटरेस्टिंग। तुम्हें लगता है अब तक मिस हो गई होगी? अगर मेरा अंदाजा सही है तो इस पर लगी मिट्टी वो मिट्टी है जो थेम्स नदी के किनारे मिलती है। थेम्स? हाँ हाँ। बेचारी बेचारी सुंदर लड़की, उसे थोड़ी नींद की जरूरत है। अब तक तो वो लड़की सो गई होगी, आंखें बंद किए हुए धीरे से सांस लेती और करवटें बदलती और उसका वो संगमरमर के जैसा बदन बिस्तर पर नागिन की जैसी बलखाती होगी। हाँ थेम्स ही है वो, साउथ वर्क के पास। इंटरेस्टिंग है ना? 100% है। पर ये सड़क छाप गुंडे ऐसे इम्पोर्टेड जूते क्यों पहनेंगे, और वो भी नए सेकंड हैंड नहीं। हू ये कौन था? क्या हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर। आई एम सॉरी, अभी थोड़ी घबराई हुई हूँ। आप सो जाइए मिस, अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है ना होम्स? राइट। गुड नाइट। गुड नाइट। मिस्टर होम्स क्या है? आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था आप नींद में हैं। नींद? जब काम हो तो कोई कैसे सोएगा। डॉक्टर वॉटसन शायद बाहर गए हुए हैं। सही में? क्या आपको पता है? पता नहीं, जासूसी के लिए जरूरी पेशेंस उनमें नहीं है। कभी कभार काम में मन भी नहीं लगता। अच्छा। हाँ आपका काम बड़ा मुश्किल होगा। कभी कभार हो जाती है टेंशन। ओह समझ सकती हूँ मैं। तब टेंशन को दूर करने में रास्ते ढूंढने पड़ते हैं। दिस मूवी इज इनकोडेड बाय डॉक्टर स्टार।
ज्यादा वायलिन बजाते हैं। हाँ पागल कुत्ते ने ना काटा हो तो। वैसे तो मैं आपका टेंशन नहीं बढ़ाना चाहती हूँ, तो मैं कपड़े बदल कर आ जाती हूँ। नहीं प्लीज मेरी बात सुनिए, कभी कभार काम से ब्रेक लेना जरूरी है, दूसरी चीजों पर भी ध्यान देना पड़ता है। मिस्टर होम्स, क्या कितनी बार कहा है दरवाजे पर नॉक करो, लोगों की प्राइवेसी में दखलंदाजी करती हो। राइट, तुमने तो सारी हदें पार कर दी, तमीज क्या होती है तुम्हें पता ही नहीं। मेरे साथ आओ बेटी, तुम्हें कोई डर नहीं, नीचे जाकर चाय पियेंगे। ये अच्छा आइडिया है, तुमसे कोई मिलने आया है, ये अच्छी बात नहीं है। गुड मॉर्निंग। हाँ ये इज्जतदार लोगों का घर है, आप इन्हें समझाइए। हाँ, हाँ, बुरा न मानिए, ये औरत दिन में भी पीती है, आइए प्लीज। थैंक यू। कैसे हो इंस्पेक्टर? विंडरमेयर में जो हुआ मैंने लॉर्ड स्मिथिक को बता दिया। नतीजा वो नहीं निकला जो हम चाहते थे, लेकिन महारानी जी ने आपके मेहनत पर खुश होकर इनाम भेजा है। इनाम? महारानी जी के मन की इच्छा को मैं कैसे टाल सकता हूँ? अद्भुत है ना? बोले नहीं समा रहा हूँ। आप लोगों को खामखा विंडरमेयर जाना पड़ा और मेरा निष्कर्ष सही साबित हुआ। ऐसा मत सोचो मेरे भाई, अगर विंडरमेयर नहीं जाता तो मेरे शक की पुष्टि नहीं हो पाती। वो ये है कि तुम्हारा शक बिल्कुल गलत है। क्या मतलब? ये बिल्कुल बकवास है सर, ये मानने को तैयार ही नहीं कि इस केस को मैंने सुलझाया, वो भी इससे पहले। हेलो जेंटलमैन, जाइल्स मर चुका है, प्लेट्स खो गई है, केस खत्म। ना ही जाइल्स और ना वो प्लेट्स विंडरमेयर गए थे, केस खुला है। ले जाओ। खैर जेंटलमैन, शायद होम्स ने आपको सारी बातें बता दी होंगी। क्या उन्होंने ये भी बताया कि हम लोग इस केस को 3 दिन में सुलझाने वाले हैं? नो। क्या इन सब चीजों की जानकारी आप इन्हें दे देंगे मिस्टर होम्स? आपसे वादा करता हूं लॉर्ड स्मिथिक कि जब मंगल, बुध, गुरु, शुक्रवार आपको प्लेट्स मिल जाएंगे। आप प्लेट लाइए मिस्टर होम्स, इससे पहले कि ये खबर फैल जाए और पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल बन जाए। शांति सर, इसीलिए तो आज हमें चाहिए कि ऐसे हालात में हम अपना संयम और धीरज बनाए रखें। आप शांत रहिए सर। तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, हमें धीरज रखना चाहिए और शांति। शुक्रवार तुम्हारा दिमाग फिर गया है? घबराओ नहीं मेरे दोस्त, तुम्हें पता नहीं लेकिन आज सुबह ही हमें कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। अपना कोट पहनो, हमें कहीं जाना है। क्या पता चला है? शाही टकसाल के सारे जरूरी कागजात खरीदे जाते थे कॉम्प्टन पेपर मिल से। तुम्हें इस सारी कहानी को बनाते हो क्या? मिस्टर होम्स, मिस्टर होम्स, वो गुंडे मेरे पिताजी के लिए यहाँ आए थे ना? ओ डॉक्टर वॉटसन, गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? क्या क्या कोई खबर मिली, कोई सुराग मिला? अब तक नहीं। आप धीरज रखिए, कल रात होम्स को कुछ याद आया और वो अचानक समझ गए कि उसने बेवकूफी की है। वाकई? खैर मैंने बेवकूफी लफ्ज का इस्तेमाल नहीं किया है। हाँ किया था, और अब ये तहकीकात करने निकल पड़े हैं। ओह क्या मैं भी आ सकती हूँ? हाँ, जैसे ही हमें कुछ पता चलेगा आपको बता देंगे। थैंक यू ड्राइवर। चलो वो क्या है? कल रात जो मैंने अपने बेटे को टेलीग्राम भेजा था उसका जवाब है। इसमें जो जोक है वो पढ़ के सुनाओ। वक्त आने पर डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर वॉटसन। ड्राइवर रोको जरा। आपने ठीक कहा था डॉक्टर, वे सब लोग वहीं पर रुके हैं कस्टम के इंतजार में। अद्भुत, जैसा मैंने सोचा था। आ जाओ बच्चे। ड्राइवर डॉक पर चलो। रुको रुको, बस यहीं पर चलो।
लो ये पैसे लो। हाँ उस तरफ ठीक है उस तरफ चलना है। चलो जल्दी करो आ जाओ। हाँ हाँ रुक जा। यहीं पर थे डॉक्टर, हमने सुबह यहीं पर देखा था। ले लो ये सारे बक्से इम्पोर्टेड जूतों से भरे। और ये जहाज सुबह को जर्मनी से आया है, 2 दिन देरी से आया है। जीते रहो, बढ़िया काम किया मेरे बच्चे, आगे हम संभाल लेंगे। इसे देखो, 2, 3 शायद 4 मॉरियारिटी के चमचे रुके रहे इस जहाज के इंतजार में, पर ये जहाज देरी से आया। वो रुके और बोर हो गए, और चुपचाप खड़े रहना उनकी फितरत में नहीं था। वो खुद को रोक नहीं पाए और चुपचाप चुरा लिए यहां से कुछ जूते। उनके पास भूरे रंग का जूता होगा। नफरत है इटालियन जूतों से। ये खोलो। हाँ जरा ये बक्सा देखो, संभाल के खोलो, ध्यान से खोलो, संभाल के। हाँ टिंटी क्या है? जर्मन भाषा में स्याही। स्कॉटलैंड यार्ड से बचने के लिए उसने उन्हें स्मगल कर लिया। होशियार है, कागज तो उनके पास है ही। कॉम्प्टन पेपर मिल से उठा लिया था और उस मिल को पूरी तरह से जला भी दिया, और जॉन क्ले ने चोरी का नाटक करवाया ताकि मेरी नजर उन पर से हट जाए। जर्मन भाषा में पिन को क्या कहते हैं? चुप बैठ। रुको, क्या चल रहा है उधर? ये पकड़ा। तुम इस सामान को हाथ नहीं लगा सकते, पहले कस्टम से अनुमति लेनी पड़ेगी। सॉरी प्रोफेसर, हमने लगा था यहाँ कोई नहीं है। माफी मांगते हो? मैंने इतनी मेहनत की ताकि सब कुछ छुपा रहे, और तुम लोग ये कर देते हो। खैर तुम्हारा पिस्तौल है ना? हाँ यहीं कहीं। कम ऑन, अब हमें ज्यादा देर नहीं लगना चाहिए। मिल गया। ये लो, उसमें गोलियां नहीं है, कहीं खुद को गोली न मार लेना, कम से कम मैं न कहूं तब तक। अरे यार, कभी भी आ सकती है। छोड़ो इन बेवकूफ को और चलो यहां से।
संभालो। क्या मरो मॉरियार्टी। ये ले। कम ऑन, जल्द से जल्द यहां से निकलो। पता नहीं लोगों को कैसे पता चल जाता है। वॉटसन, 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 संभालो वॉटसन। बेवकूफ, वॉटसन, वॉटसन, संभालो। Watson! 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 बहुत ढूंढा सर, कुछ नहीं मिला। कोई खबर? नहीं सर, लगता है बाढ़ की वजह से लाश नदी में बह गई होगी। मुझे पता है ये मुश्किल की घड़ी है, पर ये बात भी सच है कि मिस्टर होम्स अब भी आपके साथ हैं। मैंने कुछ गलत कहा क्या? मैं गलती से कुछ ज्यादा ही लंबी रस्सी लेकर आया था, एक और बेवकूफी कर दी मैंने। मिस्टर होम्स, डॉक्टर वॉटसन होते तो क्या कहते? वो मेरे पैर के नीचे से कुर्सी हटाने में मेरी मदद करते। वो ऐसा नहीं करते। उसने कहा था उसका मेरे साथ ये आखिरी केस है। मिस्टर होम्स, मिस्टर होम्स, खुद को दोषी मत ठहराइए। प्रोफेसर मोरियार्टी को पकड़कर मेरे पिता को बचाकर आप वॉटसन की मौत का बदला ले सकते हैं। ओह, क्या आइडिया आया है! मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है जो इस झमेले में पड़ूंगा? मिस्टर होम्स, मैं आपकी बात समझी नहीं। मैं कोई जासूस नहीं हूँ, मैंने आज तक कुछ नहीं किया, सब वॉटसन ने किया है। बकवास, आप बहुत अपसेट हैं। देखो, मैं कोई जासूस नहीं, एक एक्टर हूँ। ओह प्लीज मिस्टर होम्स, सॉरी। एक और तो मिस्टर होम्स। दे दो प्लीज। रुको, शायद नहीं,
दिल में दर्द ज्यादा है लेकिन जेब में पैसे कम है। ये मेरी तरफ से मिस्टर होम्स। भगवान का शुक्र है। मिस्टर होम्स, भगवान का शुक्र है। मिसेस हडसन ने कहा था आप यहीं मिलेंगे। हम आपके इस दुख में शामिल हैं। गुजर गए डॉक्टर वैटसन, लेकिन हमें यकीन है कि इस दुख का प्रभाव हमारे केस पर नहीं पड़ेगा। क्या याद है शुक्रवार तक केस सुलझाने का वादा किया है आपने? हाँ हाँ, खैर सच्चाई, दरअसल सच्चाई ये है लॉर्ड स्मिथ की डॉक्टर वॉटसन, मुझे पता है कि मिस्टर होम्स ये कहना चाहते हैं कि वो डॉक्टर वॉटसन थे जिन्होंने ये वादा किया था, और सच पूछिए तो मुझे यकीन है कि उन्हें इस केस की गंभीरता का अंदाजा नहीं था। जैसा मैंने हमेशा कहा मंत्री जी, कि महारानी जी को इस केस को सुलझाने के लिए मुझ जैसे क्रिमिनोलॉजिस्ट को जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए। डॉक्टर साहब होशियार तो थे पर डिटेक्टिव नहीं। मैं ये कहने ही वाला था लॉर्ड स्मिथ, डॉक्टर वॉटसन ने इस समस्या को सुलझाने में लगने वाले वक्त का सही अंदाजा लगाया था। चिंता छोड़ दें, वो प्लेटें आपके हाथ में होंगी शुक्रवार के दिन। मिसेस हडसन, क्या हुआ? खेल खत्म नहीं हुआ। डॉक्टर वॉटसन कहा करते थे उन सभी बातों की लिस्ट बनाओ जो तुम जानते हो, तो अब शुरू करते हैं। नंबर एक, एक मॉरियार्टी। कितने होशियार हैं। यही इस सब के पीछे है, ये तो हम जानते हैं। बहुत अच्छे, प्रगति हो रही है। अब दूसरी चीज लिखो, नंबर दो। इसमें वक्त लगेगा, मैं चाय बना कर लाती हूँ। ये क्या? ऑलराइट, अब वापस चलते हैं नंबर एक पर। शायद सुराग छुपा है मोरियार्टी के नाम में, चालाक लोग अक्सर ऐसा करते हैं। अमिटी, रेविटी, पता चल गया, उसका असली नाम है आर्टिमोटी। ये मैं क्या बकवास कर रहा हूँ? ये बांझपान का नोट मुझे नदी में मिला। किस्मत वाले हो। पर ये तो आधा छपा हुआ है। यानी कि उसकी कीमत सिर्फ 2.5 पाउंड है। सभी लोग जानते हैं हर एक 5 पाउंड नोट पर होता है सीरियल नंबर जिसमें होते हैं 5 आंकड़े। 6 आंकड़े। 6 आंकड़े, मगर इस नोट पर सिर्फ 3 है, 2, 3, 4। मतलब क्या है? हाय, उसके पिता प्रिंटर है कि नहीं? शायद वो हमसे कुछ कहना चाह रहे हो। इन नंबरों का क्या मतलब होगा? ये हो सकता है मेजरमेंट या अकाउंट 234 और कुछ, या पेज नंबर। हाँ, तुम्हारे पिता की कोई पसंदीदा किताब है? एक है द बाइबल। हाँ, एक मेरे पास भी है बिस्तर के बगल में। लगता है बाइबल के पेज नंबर 234 पर कुछ लिखा है। पर हर बाइबल की किताब अलग अलग होती है, या तुम कोई किताब से याद करो जो बाइबल पर आधारित हो। हाँ बिल्कुल, भजन की किताब, भजन भजन 23वां भजन 4वीं लाइन, हर पल हरदम मेरे साथ होता है वो मौत का साया। इसका कुछ अर्थ है क्या? हाँ, इसका अर्थ है द ऑफियम थिएटर। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? आई एम सॉरी मिस्टर होम्स, पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। द शेडो ऑफ डेथ,
एक प्रभावी नाटक और ऑर्फियम में खेला जाने वाला आखिरी नाटक एक ही शो के बाद रुक गया, मगर लोगों ने खुले दिल से उसकी तारीफ की थी। एक अखबार के आलोचक ने लिखा था, वैसे तो शाम निराशाजनक थी, लेकिन नॉर्ड किनकेड ने माहौल में हंसी के रंग भर दिए। हंसी के? आपने तो कहा था बड़ा गंभीर नाटक था। वो बातें याद मत दिलाओ, समझे? आपको यकीन है आप जो कर रहे हैं वो ठीक है? वैसे ओ डियर। शहर के उसी हिस्से में फ्लीट की नदी बहती है और फियम थिएटर नदी के किनारे पर ही है। बिल्कुल उसी के नीचे होगा, उस थिएटर के नीचे एक बड़ा सा तहखाना है। आराम से मिस्टर को। आराम करने का वक्त नहीं है मिसेज हटसन। बिगिन, स्कॉटलैंड यार्ड को बुलाओ। उन्हें मैं बुला लाऊंगी, मुझे यकीन है मेरे कहने पर वो जल्दी निकल पड़ेंगे। गुड आइडिया बिगिन, पीछे कर जाओ, चलो ऑफियम थिएटर, जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना है। जब डरपोक थे तभी ही अच्छे लगते थे। स्टेज का दरवाजा पीछे की ओर है, आगे बढ़ो। तुम आगे बढ़ो। अरे जल्दी करो यार। हम पहुंच गए। पम 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 पम। और यार ठीक है, ये लो मेरे दोस्त, कीप द चेंज। 5 पाउंड? भगवान भला करे आपका। रहने दो, आजकल मैं नोट छाप रहा हूँ। नोट छापते हो? अच्छा मजा है ये। पर अब भी उन्हें खर्च नहीं करना है। पम 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 पम। थोड़ी ही देर में हम माल को रवाना कर देंगे। मुझे ये जगह बहुत याद आएगी, कुछ ज्यादा ही। दरवाजे पर रुके रहो और जब पुलिस आए तो उन्हें सब कुछ बता देना। मैं समझ गया बॉस। और आप दोनों को मेरी ओर से शुभकामनाएं, आप लोगों को उसकी जरूरत है। और उनके आने तक वहीं रहो। मिसेस हटसन, चलिए ऊपर। पॉकेट को लात मारो, आराम से। मजाक कर रहे हैं।
आप ये बेवकूफी जानबूझकर करते हैं। सुनिए, सॉरी प्रोफेसर, शायद चूहे थे। हाँ, हो सकता है चूहे थे। कैसी आवाज साफ सुनाई दे रहा है? लगता है मुझे माफ कर दीजिए। बल्कि ये कहूंगा कि हम लोग बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। मैं ये कहां आ गया? अब कहां जाऊं? कहां पे जाऊं? अरे जल्दी करो भाई, सब पेपर लिखो, उधर रखो, चलो जल्दी करो, चलो टाइम नहीं है, जल्दी करो। आपका काम काबिले तारीफ है मिस्टर चाइल्ड्स। खुद रानी फर्क नहीं कर पाएगी, लेकिन ये नोट सिर्फ आधा ही प्रिंट किया गया है और ये नदी के किनारे मिला था। शायद यही वो जगह है जहां काला धंधा गोरे लोग हैं। वह बेकार है, गलती से गिर गया होगा। और उड़कर पानी में गिर गया क्यों? हो सकता है। अगर हम इस पर गौर से नजर डालें तो पता चलेगा 2, 3, 4। वह चालाक हो। ऐसे और कितने नोट हैं जो तुमने पानी में बहा दिए? क्यों? कोई बात नहीं, एक ही इंसान जो तुम्हारे दिए गए इन सुरागों को समझ पाता वो तो नदी की गहराई में लाश बनकर पड़ा है। तुम यहां क्या कर रही हो? तुम्हें कहा था ना कि उस बेवकूफ पे नजर रखो, वो कहीं गड़बड़ न कर दे। उसने कर दी है। उन लोगों को इस जगह का पता चल गया है। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि पुलिस को बुलाने उन्होंने मुझे भेजा। अच्छा, पुलिस के बगैर इसे अब क्या करना है? चिंता मत करो। अब मुझे कुछ करना होगा। अटैक, प्रोफेसर, अटैक पर किससे हुआ है? ये आपकी बेवकूफी। होशियारी से यहां तक तो आ गए, अब इसके बाद क्या करेंगे? यहां से जाकर उनका पत्ता साफ करूंगा। सामान बांधो। आखिर में एक बेवकूफी करती तुमने, मगर काम तो अच्छा किया है। और इनाम में तुम्हें मैं ऐसी मौत दूंगा कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा मिस्टर जाइल्स। इतनी जल्दी भी क्या है मोरियार्टी? वॉटसन, कब से तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा हूं प्रोफेसर। डॉक्टर वॉटसन, अच्छा हुआ आप आ गए, नहीं तो ये लोग। चुप करो मेरी बच्ची। बहुत खूब, हमारी ही जासूसी। जाइल्स के मौत का नाटक बहुत ही अच्छा था, लेकिन फ्रांस से आए एक तार से पता चल गया कि कैसी है असली मिस जाइल्स। उसकी वजह से पूरी जाइल्स परिवार को शर्मिंदगी होती है। Yeah.
क्या तुम मिलना नहीं चाहोगे असली मिस चाइल्ड से? ठीक है, पहले वाला प्लान ही अच्छा था, अटैक। अफसोस कि मेरी जीत की खुशी में तुम शामिल नहीं हो सके। इन दोनों को मैंने अपने कदमों पे डाल दिया, अब तुम अपनी आंखों से इनको मरते हुए देखोगे, चारों में से। ऑल राइट, कोई भी हिलेगा नहीं, हिला तो सबको जलकर राख। क्या तुम समझ सकते हो मिस्टर होम्स, अगर पैसों को आग लगाओगे तो तुम भी जलकर राख हो जाओगे? मैं समझता हूँ। चलो पानी लगो, पानी, चलो चलो, देखो जल्दी जल्दी कर, जल्दी राख हो जाएगा, जल्दी करो, जल्दी करो, टाइम नहीं है, जल्दी। सोचा तुम मर गए, वो तो मैं अब भी मर सकता हूँ। जल्दी टाइम नहीं है, जल्दी भागो, भागो यहाँ से, पानी लगो। उसे मैं बचाता हूं। हाय रब, मैं आ गया हूं, जाने मत। उस बक्से को इस तरफ लाओ, जल्दी करो, चलो जाओ। वो कौन है? प्रोफेसर, वो गैस पाइप गर्मी बढ़ने पर विस्फोट हो जाएगा। जाओ, मैं प्लेट लेके आता हूँ, चलो। तब खत्म हो गया मेरी साले में। मुझे देखकर निराशा हुई। बहुत अच्छा वॉटसन, मौका था पर तुमने मारा क्यों नहीं? आजा अब जा, हमको न यूं सताओ। जल्दी करो, जल्दी, जल्दी जल्दी जल्दी, चलो चलो चलो, भागो यहाँ से, भागो, चलो चलो चलो, जल्दी चलो, जल्दी करो, कम ऑन कम ऑन, चलो। तुम भागो इनको, चलो चलाए, रुक जाओ, कोई नहीं है प्रोफेसर। कम ऑन, संभाल के सर, जल्दी करो, यहाँ से निकलना है। यस प्रोफेसर। ओह प्लीज, मेरे लिए नहीं रुकोगे क्यों? ओह माफ कर दो, ओ मेरी बच्ची, तुम्हें बहुत चोट आई होगी। हेलो, हम लोग भागने वाले हैं, किधर है? तुम उन्हें संभालो, मैंने आपको बोला था। ओ मेरा सर, घबराओ नहीं बेटी, सिर वहीं पे है। ओ डॉक्टर वॉटसन,
सॉरी मिसेस हार्डसन। कम ऑन वॉटसन, यहाँ पर आग लगी है। मरने का नाटक करना बहुत जरूरी था क्योंकि मुझे इन लोगों की हलचल पर नजर रखना बहुत ही जरूरी था। तुम्हारी मौत से हमें दुख हुआ था और इनको भी। इसमें भरोसा मत करो, ये धोखेबाज है। ये लेस्ली गर्ल्स नहीं है? नहीं। तो असली कौन है? मैं हूँ। ये रहा असली। लेडीज एंड जेंटलमैन, वो मेरा बचने का रास्ता है। आप लोग वहां से हट जाइए। वॉटसन, सभी लोगों को यहां से हटा दो। लॉक है। वैसे तो मैं तुम जैसे बेवकूफों के मुंह नहीं लगता। बेवकूफ बोला? बेवकूफ बोला? अब ये मारा जाएगा। आप घबराइए मत मिसेस हडसन, ये जगह उसकी अपनी है। चेतावनी देता हूं, मैंने इसी जगह पर 6 जज को मार डाला है। मैट निशो पकड़कर 8 को। वाह वाह, क्या बात है। तलवारबाजी का उस्ताद रेगिनॉल्ड किनके। तलवारबाजी के सीन पर पैसा वसूल, ऐसा लिखा था अखबार ने। अब हो जा तैयार। ऑलराइट, तोड़ डालो इसे। और कोई रास्ता नहीं, और खबर करो मुझे। ये पाखी में बहुत अच्छा है। अरे साथ आओ, चलो चलो जल्दी चलो, जल्दी करो। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। यही है, यही है वो। जाने ना पाए, पकड़ो उसे। जहाँ कहीं हो वहीं रुक जाओ। इसे दर्द नहीं, नीचे झुक जाओ, झुक जाओ, झुक जाओ। भागो भागो भागो। मैंने पहले भी खून किया है और ये बात जान लो कि फिर से खून बहाने में मुझे कोई एतराज नहीं होगा। बेवकूफो, मैं कोई सच्ची खिलाड़ी नहीं हूँ। वाह क्या बात है। रुक जा कमीने। फिर एक बार आपकी खिदमत में दोस्तों। होम्स नहीं, हे वॉटसन, तुम जिंदा हो? बहुत जल्द पता कर लिया इंस्पेक्टर, तुम्हारी तो दाद देनी पड़ेगी। ओह हेलो। पीछे हटो वॉटसन, इस खतरनाक मुजरिम को उसके अंजाम तक पहुंचा कर रहूंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। हट जाओ, हटो। तुम गैस पाइप को भूल गए हो क्या? जल्दी करो, आग बुझाने की कोशिश करो। पानी पानी पानी, चलो तुम सब ऊपर जाओ।
जल्दी करो, मुबारक हो आपको मिस्टर होम्स। महारानी जी आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है आपकी इस कामयाबी पर, और आपका भी डॉक्टर वाटसन। मिस्टर जाइल्स के दिए हुए संकेत को आप बहुत अच्छी तरह समझ गए, और मुझे लगा था कि आप मेरी बात को समझ नहीं पाएंगे। बच्चों का खेल था। 23वां भजन, मौत का साया जाय है। नहीं 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 नहीं, नहीं। मेरा मतलब था सीरियल नंबर से 2-3-4, वो पता लिखा था थिएटर का 2-3-4 बीकन स्ट्रीट। कमाल है वॉटसन, तुम घबराओ मत, मैं कहानी को बदल दूंगा। हमें ना गिरफ्तार किया और आगे की कहानी आप जानती है। मैं अपने मुंह से मियां मिठू बनना नहीं चाहता। मिस्टर होम्स, काम बढ़िया हो गया। आखिर किया किसने? मैंने कहा था ना मिस जाइल्स कि अगर स्कॉटलैंड गेट सही वक्त पर नहीं पहुंचती तो शायद ये अपराधी पकड़े नहीं जाते। लेकिन अफसोस, आप लोग ये बात कभी नहीं मानना चाहेंगे। सच्चाई ये है इंस्पेक्टर। बिल्कुल, होम्स कह रहे थे कि आपने कितनी बहादुरी दिखाई। क्या सच बात ये है मिस जाइल्स? वो शख्स है लेस्ट्रेड, और इन्हीं का आपको जिंदगी भर शुक्रगुजार रहना होगा। क्या बात है। मिस जाइल्स एक एक्ट्रेस है पेरिस में, नाटक का नाम है मर्दाना औरत। एक्ट्रेस, व्हाट अ सरप्राइज। और भी सरप्राइजेस हैं तुम्हारे लिए। वो आ गए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या ये सच है कि मोरियार्टी मर चुका है? पूर्वानुमान करना गलत है जेंटलमैन। राइट मिस्टर होम्स, आपने उस जगह का पता कैसे लगाया जहां मोरियार्टी छुपा था? ये हमारा तार्किक अनुमान था क्योंकि कुछ सुराग हमारे हाथ लग गए थे। पर ये सबूत स्कॉटलैंड यार्ड को भी? शायद स्कॉटलैंड यार्ड के पास नहीं था तो अनमोल सहयोग, अद्भुत कुशलता और अनगिनत सहन शक्ति जो मुझे मिली डॉक्टर वाटसन से। मेरे दोस्त, दिस मूवी इज इनकोडेड बाय डॉक्टर स्टार। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे डॉक्टर, बहुत बढ़िया। अब लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट करनी है। अब जबकि शाही टकसाल में प्लेटें लौट आई हैं, आपको बताना है कि ये मेरा आखिरी केस है। ओह नहीं, नहीं ये नहीं हो सकता। शेरलॉक होम्स संन्यास ले रहा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता ये। लेकिन दोस्तों, ये बात तो मुमकिन है कि मिस्टर होम्स आपसे मजाक कर रहे हैं, है ना होम्स? शेरलॉक होम्स के संन्यास, जबकि हमारे देश में अपराध बढ़ रहे हैं। हमारे देश में ऐसे बहुत से मामले हैं जिनको सिर्फ एक ही शख्स सुलझा सकता है, जो है शेरलॉक होम्स। तुमने सही कहा वाटसन, और अब देर न करते हुए मैं घोषणा करता हूं कि यह केस खत्म हुआ। Thank you.
This movie is encoded by Dr. Star.